मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 10 माह में से जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसी दुनिया की बड़ी ताकतें वैश्विक महामारी कोरोना से पस्त हो रही थी, देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस पर काबू पाया है। आज उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन हो रहा है। 5 जनवरी को यह पूरे प्रदेश में होगा और मकर संक्रांति के आसपास टीकाकरण की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला अधिवक्ता भवन, कलेक्ट्रेट मुख्यालय व तहसील सदर में नवीन अधिवक्ता चैम्बर्स के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम प्रदेश में कोरोना को परास्त करने के करीब हैं। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में कोरोना नियंत्रण का सबसे अच्छे परिणाम के चलते WHO को सराहना करने को मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 माह पूर्व कोरोना के 68,000 से अधिक एक्टिव पॉजिटिव केस थे, जो आज की तारीख में 13,000 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर सबसे बेहतर 97% और मृत्यु दर 1% के आसपास है। जल्द ही इस महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में वापस आए। इन प्रवासी कामगारों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने की चिंता करने के साथ सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में हवाई सेवा के सर्वे में कहा गया कि गोरखपुर से महज 6 पैसेंजर मिलेंगे, हमने इसे खारिज किया। आज गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा है। वायु सेवा विकास में सहयोगी बन रही है। द्रुत विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 1947 के बाद से 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। 3 साल में हमने 30 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के साथ ही वाराणसी में एम्स जैसा संस्थान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री द्वारा शहरी आवास योजना के तहत किए गए शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि शहरी आवास योजना में 2016 में यूपी का देश में 26वां स्थान था और अब प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के लिए 9,08,48,000 रुपए की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर्स का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों में सुविधायुक्त अधिवक्ता चैम्बर्स बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि ये चैम्बर्स सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं बन रहे, बल्कि ये है आम आदमी के लिए न्याय पाने का मंच बनेंगे। यह वास्तव में सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के कार्य का शुभारंभ है। उन्होंने आह्वान किया कि अधिवक्ता वादकारी के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी मंडलीय विभागीय कार्यालयों को एक एकीकृत भवन में लाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी में से इसकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ जनता और अधिवक्ताओं को एक ही जगह सारी सुविधा मिल पाएगी। यहाँ ऐसी कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी जहाँ गांव से आए लोगों को सस्ते भोजन मिल जाएंगे। मंडलीय कार्यालयों की ही भांति जिला स्तर के कार्यालयों को भी एकीकृत भवन में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ता समाज की हर संभव मदद को तत्पर है। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ एक कदम बढ़ाना समय की मांग है। कोरोना काल में तकनीकी से जुड़कर ही हम लाखों किसानों, वृद्ध विधवा महिलाओं व दिव्यांग जनों के खातों में धनराशि भेज मदद करने में सफल हो सके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि वहां इससे लाखों लोगों के लिए आजीविका का भी इंतजाम होगा। शिलान्यास समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि आज गोरखपुर हिंदुस्तान के पटल पर चमकता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संघर्ष है। योगी ने यहां से माफिया और भय का विनाश कर विकास किया है। उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता समाज के प्रति मुख्यमंत्री सदैव संवेदनशील रहते हैं। इसका प्रमाण ही है कि मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के लोगों को खुद बुलाकर इस बहुमंजिला अधिवक्ता भवन की स्वीकृति की सौगात दी है। कार्यक्रम में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, मंजलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री राम शंकर राम त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारी, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे व अन्य पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो, अंग वस्त्र दे दो।
अंगवस्त्र द्वारा माननीय मुख्य अतिथि को अंग भेंट किया और आप ताली से स्वागत करें। को समर्पित करें। संरक्षण में जो लिखा जाएगा माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा, मैं माननीय मुखर्जी से उसके पूर्व अनुरोध करूंगा भारत माता के चित्र पर मल्यार्पण करें। अध्यक्ष मंत्री जी उनके सहयोग में दीप प्रज्वलन आपके इस भव्य शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री है। आज के इस समारोह का हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह शिलान्यास कार्यक्रम को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उसे सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन आपके गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, हम सबके आप सबके परम सम्मानित परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से आज के इस विराट भव्य शिलान्यास समा गोला एवं सहजनवा का ही मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। जिनका प्रथम आगमन इस कलेक्ट्रेट में हुआ है उनकी वाणी को न सुना जाए तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद गोरखपुर संसदीय क्षेत्र श्री रविकिशन सिंह शुक्ल जी से आवे और प्रथम आगमन पर हमारे अधिवक्ता समुदाय को कुछ ऐसा। आज हम परम पूज्य परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आसन पे अपन खड़ाऊ रख के जो हम सेवा करत है उनमें कलेक्ट्रेट का बहुत बड़ा हाथ बा। हम की मुख्य अतिथि परम सम्मानित माननीय, हम और किसी को क्षमा मांग के साथ ही आपसे याचना करते हैं कि समय बहुत ही कम है, बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम है, इसीलिए हम सबसे क्षमा मांगते हुए अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आए। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर और सदर तहसील के अधिवक्ता चैंबर्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर नगर से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमिताभ त्रिपाठी अटल जी, महामंत्री श्री रमाशंकर राम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजनीकांत मिश्र जी, संजय जी, सुरेंद्र सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, अमरीश कुमार राय जी, ब्रजेश पांडे जी, श्रीमती अनुराधा तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठर सिंह जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण,
जिला अधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तथा विभिन्न जो तहसील हैं उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं उनके भी तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आज का जो कार्यक्रम है ये केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आपके अवसर और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैम्बर्स का निर्माण यहां पर होगा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे। इसके लिए इसका शुभारंभ यहां से किया जा रहा है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं, उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने यह भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स बार कमिश्नर्स की का कमिश्नर का कार्यालय बने तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वहां की स्थिति कितनी खराब है और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है, फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में है तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। लेकिन यह एक सामूहिक प्रयास है,
आपने देखा होगा जब हम लोग किसी एक महामारी से लड़ते हैं तो महामारी से लड़ने के लिए केवल सरकार ही उसको सरकार को ही उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है। महामारी है तो स्वाभाविक रूप से सरकार उसको लीड करेगी, सरकार नेतृत्व देगी, लेकिन सरकार के नेतृत्व के साथ जब पूरा तंत्र शामिल होता है, आम जनमानस और विभिन्न संस्थाएं एक साथ उनके साथ सहयोगी बनती हैं, तो सफलता की एक नई कहानी कहती हुई दिखाई देती है। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इस प्रयास को अगर WHO ने सराहना की तो उसके पीछे ये सामूहिक प्रयास है, सब लोगों ने मिलकर के एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया था उस अभियान में सबकी सहभागिता का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद कोरोना का सबसे अच्छा परिणाम देश के अंदर देने में सफल रहा है। तो उसके पीछे कारण इसी सामूहिकता का है जिसमें अधिवक्ताओं का भी, चिकित्सकों का भी और समाज के व्यापारियों का भी और हरेक तबके के लोगों का भी भरपूर सहयोग शासन को प्राप्त होता रहा और आज उसका परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर कोरोना के लगभग 68,000 से अधिक पॉजिटिव केसेस थे। आज सुबह जब मैं गोरखपुर के लिए चला हूं तो बैठक लेकर के चला हूं उस समय केवल 13,000 पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि 68,000 से कम करते 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 आज 13,000 तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे अच्छी रिकवरी इस समय देश के अंदर उत्तर प्रदेश की है, लगभग 97% तक हम रिकवरी के रेट को पहुंचा चुके हैं। मृत्यु दर 1% के आसपास है, इसको उससे भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी भगवान करे हॉस्पिटल न जाना पड़े किसी को, लेकिन जो भी हॉस्पिटल में गया और कोविड हॉस्पिटल में जो सुविधा उसे प्राप्त हुई उसने इसकी सराहना की कि प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार की सुविधा फ्री में सारी सुविधा जिस प्रकार की दी है, यह मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ने उसकी सराहना की। और पब्लिक फीडबैक के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए चुनौती थी, चुनौती इस रूप में भी थी कि 40,00,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। प्रदेश के अंदर हमारे हजारों प्रतियोगी छात्र और बच्चे अलग अलग कस्बों में, नगरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हें सुरक्षित लॉकडाउन के दौरान उनके घरों तक पहुंचाना और प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम करना था, सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न करने के बाद अब कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारी चल रही है, हमें प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है, हमने प्रदेश के विकास की गति को थमने भी नहीं दी है, लेकिन साथ साथ कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में भी जो सफलता प्राप्त की है, जो समाज के हरेक तबके का योगदान इसके साथ जुड़ा है, मैं इसके लिए अधिवक्ता समुदाय का भी, व्यापारी समुदाय का भी, चिकित्सक और पैरामेडिक्स का भी और समाज के उन विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का भी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, सहयोग किया, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज का जो कार्यक्रम है ये कहने के लिए अधिवक्ताओं के चैंबर का है, लेकिन वास्तव में ये समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के एक महत्वपूर्ण आधार का शुभारंभ भी है।
मुझे बहुत अच्छा लगा जब अमिताभ जी यहां पर कह रहे थे कि हमारी लाइब्रेरी को डिजिटलीकरण होना चाहिए, यानी तकनीक का उपयोग क्या हो सकता है। आपने देखा होगा अगर तकनीक को हम लोगों ने नहीं अपनाया तो हमारी वर्चुअल कोर्ट नहीं चल पाती। हम मानते हैं अधिवक्ता समुदाय को इससे परेशानी हुई, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से एक सामान्य नागरिक को न्याय मिल सके इसका एक ट्रायल भी कोरोना के दौरान हुआ। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो क्या हम लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अलग अलग तबके के लोगों के लिए सहायता राशि भेज पाते? याद करिए 86 लाख से अधिक वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जन प्रदेश में हैं। इन सभी 86 लाख से अधिक इन सभी लोगों को पेंशन की राशि और उसमें भी एडवांस राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हम लोग भेजते थे। एक जगह क्लिक किया, पैसा उनके खाते में पहुंच गया। बाद में हम लोगों ने देखा कि ये लोग बैंकों में जाके लाइन लगाना पड़ रहा है, तो हम लोगों ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की भी नियुक्ति कर दी कि इनका पैसा निकालने और पैसा जमा करने की जिम्मेदारी अब एक एक गांव के व्यक्ति को या परिवार को नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही जाएगी और बैंक में जाकर के पैसा निकालने या पैसा जमा करने का कार्य करेगी, जिससे भीड़ भाड़ कम हो सके और हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर सकें। यानी तकनीक 2,35,00,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा कोरोना कालखंड में हर दूसरे तीसरे माह भेजने की कार्रवाई हो, या देश प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में धनराशि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त राशि सहयोग के रूप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि तकनीक से जोड़ने का एक कार्य हुआ था, उनके अकाउंट खोले गए और उस अकाउंट में धनराशि हम बैंक के माध्यम से दे सके, इसके लिए कार्य प्रारंभ किया गया। उसका परिणाम हर एक व्यक्ति को राहत भी हुई और साथ साथ सरकार को यह कहने का अवसर किसी तंत्र को यह नहीं पड़ा कि हमारे पास मैन पावर नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत अभिनंदनीय है और इसमें आप लोग अपना तैयार करिए, राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, जिससे हर एक अधिवक्ता उस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है उस ज्ञान से अपने को अपडेट तो कर ही सके, लेकिन साथ साथ इस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ हमारे नए अधिवक्ताओं को और अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकता है जो इस क्षेत्र में घुस करके अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अधिवक्ता चेंबर वास्तव में हम देखते थे जो पीड़ित व्यक्ति आता था या आता है, हम हर व्यक्ति जानते हैं कि कोई अधिवक्ता के पास तब आता है जब वह हर जगह से थक हार जाता है और पूरे विश्वास के साथ आपके एक सादे कागज में हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करके फिर वह आपके भरोसे छोड़ करके इस लड़ाई पे इस विश्वास के साथ बैठता है कि अब मुझे न्याय जरूर मिलेगा। कितना विश्वास उसका होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बार होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति ये देखेगा कि वो घर से बड़े विश्वास के साथ चला है कि मैं जा रहा हूं कचहरी में, वहां पे मुझे वकील साहब मिलेंगे, वकील साहब के यहां मैं जाऊंगा, वकील साहब का मतलब उसके मन में एक ऐसा वो है कि वकील साहब का मतलब ये है कि बहुत अच्छा चेंबर होगा, वहां पे उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ फिर हम चर्चा आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब वो चेंबर में आकर के देखता है कि टूटा हुआ खपड़े के नीचे वकील साहब बैठ रहे हैं, बरसात में चू रहा है, गर्मियों में पसीने से तर हो रखे हैं, और उन स्थितियों में उसके मन में एक चित्र ये भी आता है कि क्या ये वकील साहब मुझे न्याय दे पाएंगे, एक संदेह उसके मन में जो संदेह होता है
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रवि किशन जी कह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इस पर फिल्म बना दीजिए। और इसमें बहुत सारे हमारे अधिवक्ता ऐसे होंगे भाई, अभिमन्यु पांडे जी यहां बैठे हैं, फिल्म में रोल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह पीड़ा भाई, एक वादकारी घर से चला और एक विश्वास के साथ चला है कि मुझे न्याय कहां मिलेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिलाधिकारी को देना है, एडीएम को देना है, मंडलायुक्त को देना है, एसडीएम को या तहसीलदार को किसको देना है, या डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, सीजीएम को किसको देना है। वो तो ये मानता है वकील साहब है, उसको जज के चेहरे के बारे में जानकारी नहीं, वह तो ये मान के चलता है कि मुझे न्याय वकील साहब देंगे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन कहां खराब होता है, जब वह चेंबर देखता है, टूटा हुआ चेंबर देखता है, उसके मन में विश्वास होता है, क्या शंका खड़ी खड़ी होती है, क्या मुझे न्याय मिल पाएगा। इस शंका का समाधान होना ही चाहिए और इसलिए अच्छे चेंबर अधिवक्ताओं के लिए बनने ही चाहिए, और इसी दिशा हम लोगों ने अधिवक्ताओं के अच्छे चेंबर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये अच्छे चेंबर इसी क्रम में बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, न्यायालयों में जो वाद लंबित पड़े हुए हैं, वर्षों से पड़े हुए हैं, 60-70 वर्षों से पड़े हुए हैं, 20 से 25 वर्ष में हमारी एक पीढ़ी बदल जाती है, आप अनुमान करिए 60-70 वर्षों से बात लंबित होंगे, क्या स्थिति होंगी उस परिवार पर, और वाद दाखिल करने वाला व्यक्ति इस धरती पे है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फिर से वह जन्म ले रहा होगा कि भाई मेरा जब वाद जब ये वाद निस्तारित होगा इसके लिए फिर से उसको जन्म लेना पड़े। इस दृष्टि भी जो एक वादों की संख्या है, इसका समाधान कैसे हो, सरकार भी चिंतित है, न्यायपालिका भी चिंतित है, हर एक पक्ष इससे चिंतित है, और इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और उसी पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने इस दृष्टि से न्यायालयों से जुड़े हुए जो मामले थे, इसके लिए कोर्ट का गठन करना हो, जजेज के आवासीय और अनावासीय भवन के लिए भी जहां व्यापक पैमाने पर धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि अब मंडलीय स्तर के सभी कार्यालय एक भवन में रहने चाहिए, जिससे एक सामान्य नागरिक को भी सहूलियत हो और साथ साथ उसकी समस्या का समाधान का जो सबसे बड़ा आधार है अधिवक्ता, वह आसानी से एक ही भवन में एक अपने वादकारी की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर भी उसकी पहल कर सके, पैरवी कर सके, कोई जानकारी लेनी हो भी जानकारी ले सके। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने गोरखपुर में मंडलायुक्त कार्यालय और मंडलायुक्त कार्यालय में मंडल से जुड़े हुए सभी कार्यालयों को एक एकीकृत कार्यालय के रूप में यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, और मुझे लगता है कार्य प्रारंभ होने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए युग की शुरुआत इस दिशा में प्रारंभ होने जा रही है। हम जिलाधिकारी के कार्यालयों को भी इसी के साथ लेने जा रहे हैं, जिलाधिकारी का कार्यालय, जिले के जुड़े हुए सभी अधिकारियों के कार्यालय एक जगह होने चाहिए, और नहीं तो होता है जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है और अन्य अधिकारी मर्जी आई तो बैठेंगे, नहीं मर्जी आई तो स्वाभाविक रूप से घूमते हैं, कोई कार्यालय में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एकीकृत भवन में सभी जगह एक कार्यालय में एक भवन के साथ हम बड़े बड़े मंजिल भवन बनाएंगे, 5 मंजिला 10 मंजिला भवन बनाएंगे, सुविधाएं देंगे, चैम्बर देंगे, ऑडिटोरियम देंगे, कॉन्फ्रेंस रूम देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी देंगे, वहां पे कैफेटेरिया देंगे, कैंटीन देंगे, हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और ये हर प्रकार की सुविधाएं कोई गांव से आया है उसको भी सस्ते में भोजन वहां उपलब्ध हो सके,
गांव के व्यक्ति को कलेक्ट्रेट में भोजन 5 रुपए 10 रुपए में अगर मिल जाए, क्यों वहां व्यक्ति फिर इधर उधर भटकेगा? अच्छी कैंटीन हो, साफ सुथरी कैंटीन हो, इसकी सुविधा मिले, ये सारी सुविधाओं का एक केंद्र बिंदु कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नरी हो, ये बने और वह व्यक्ति इन भवनों को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान करके चल सके, इसकी शुरुआत राज्य सरकार करने जा रही है। और गोरखपुर में अधिवक्ताओं के चैंबर्स के निर्माण की प्रक्रिया उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और इसके लिए मैं इसके लिए गोरखपुर के सभी अधिवक्ता बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गोरखपुर के चाहे वह सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हो, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन हो, या फिर द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन हो, ये जितने भी हमारे एसोसिएशन बार से जुड़े हुए हैं, मेरा इनके साथ संवाद आज से नहीं पिछले 25 वर्षों से है, बार के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में और साथ साथ एक गोरखपीठ के एक योगी के नाते भी एक भावनात्मक संवाद मेरा सभी अधिवक्ता बंधुओं से लगातार बना रहा है। वे लोग हर सम विषम परिस्थिति में हम लोगों के साथ खड़े रहते रहे हैं, उस समय उनके लिए कोई दायरे नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक संवाद रहा। इसलिए 1998 में जब मैं सांसद बना तो पहली डिमांड मेरे पास यहां की आई थी, और आप लोगों ने जिला अधिवक्ता एसोसिएशन में उस समय एक बड़ा सभागार का निर्माण करके यहां के अधिवक्ताओं को समर्पित किया था। बाद में उसका विस्तार भी हुआ, उसको और एक नए रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य तो कमिश्नर्स बार एसोसिएशन ने, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने, इन सभी एसोसिएशन ने भी अपने अपने समय में कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे। लेकिन समय के अनुरूप हम लोगों ने न केवल कलेक्ट्रेट में और कमिश्नरी में बल्कि हम लोग इस कार्यक्रम को तहसील स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं। आज मुझे कंपियरगंज तहसील में मैं जा रहा हूं, कल सैजनवा और बांसगांव तहसील का हम लोग करने जा रहे हैं, फिर और भी तहसीलों के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग कमिश्नरी है, कलेक्ट्रेट है या फिर तहसील किए हैं, उन सभी स्थानों पर अधिवक्ताओं के लिए उस प्रकार की सुविधा युक्त चैंबर के निर्माण की प्रक्रिया को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी, जिससे दिखने के लिए वह अधिवक्ता का चैंबर होगा लेकिन वह वास्तव में एक कॉमन मैन के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए न्याय पाने का एक मंच बनेगा। और उस मंच का एक कार्यक्रम, उसका शुभारंभ हम लोग यहां से कर रहे हैं। शुरुआत ईमानदारी पूर्वक होगी तो उसके परिणाम भी ईमानदारी पूर्वक सामने आएंगे। मुझे देख के कभी कभी आश्चर्य होता है, राज्य वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, केवल सरकारें बदली हैं। और क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? याद करिए, गोरखपुर में 1947 से 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, 12। मैं आज ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रबुद्ध या प्रबुद्ध वर्ग है, लोगों के सामने इस चर्चा को आगे बढ़ा सकता है, लोगों को बता सकता है 1947 से लेकर 2017, इन 70 वर्षों में कुल कितने मेडिकल कॉलेज बने थे? 12। और 3 वर्ष में 2017 से 2020 के बीच में हम लोग बना रहे हैं 30 नए मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 30 नए बना रहे हैं। पुराने मेडिकल कॉलेजेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना कर रहे हैं, जिनमें वे अब सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, विशेषज्ञता की वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उसके भवन बनके तैयार हो चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने पद स्वीकृत कर दिए हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 2 जगह एम्स बनने, गोरखपुर का एम्स आपके सामने है,
ऐसे ही रायबरेली में भी एम्स बन रहा है और वाराणसी में भी एम्स जैसा संस्थान निर्माण कार्य उसका युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी 1947 से लेकर के 17 तक की स्पीड क्या थी, और अचानक आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है देश के अंदर, एक प्रकार से फैब्रिकेटेड आवासीय सुविधा है, आवास के अलग अलग पार्ट को अलग अलग ला करके एक साथ आप जोड़ दो बड़े आवास बन सकते हैं, समय पे आवास खड़े हो सकते हैं। लेकिन 2016 में उत्तर प्रदेश कहां था, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां था, नोट करिए 26वां स्थान था उत्तर प्रदेश का, और कल प्रधानमंत्री जी ने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान आवास योजना में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को दिया है। यानी उत्तर प्रदेश 17,58,000 आवास इस दौरान इतने गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। करने की इच्छा शक्ति हो, जिसको नहीं करना उसके 10 बहाने हो सकते हैं। लोग कहते थे, मुझे याद है जब गोरखपुर की वायु सेवा हमें प्रारंभ करनी थी तो गोरखपुर के लिए जो सर्वे आया, सर्वे में कहा गया 6 पैसेंजर हैं, तो मैंने कहा ये सर्वे फर्जी है। और आज आप देखिए 8 शहरों से गोरखपुर जुड़ा हुआ है वायु सेवा से, दिल्ली के लिए 3 वायु सेवा चलती है, मुंबई के लिए 2 चलती है, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, प्रयागराज, लखनऊ, सब जगह चल रही है, जगह नहीं पड़ी, वायु यानी एयरपोर्ट पे जगह ही नहीं है, कहां पे एयरक्राफ्ट खड़ा होगा। ये जितना भी वायु सेवा का विस्तार हुआ है ये विकास में भी सहयोगी बना है। आज गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आज गोरखपुर स्वास्थ्य सेवा के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है, विकास का एक नया मॉडल बन रहा है, और विकास के इस नए मॉडल के साथ सभी सड़कों का चौड़ीकरण उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है। हमें दिखने के लिए दिखता होगा कि हम गोरखपुर में हैं, हम सोचते हैं अयोध्या में मंदिर बन जाएगा क्या होगा, मंदिर बनेगा, आस्था का तो सम्मान होगा ही होगा, लाखों लोगों की आजीविका और रोजगार भी उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी, वहां होटल भी खुलेंगे, वहां धर्मशालाएं भी खुलेंगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की में भी नए नए सुधार होंगे, वहां पे विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, लोगों को एक नए अवसर प्राप्त होंगे। ये सभी अवसर और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान करने की जो कार्रवाई हो रही है इसी कार्रवाई का हिस्सा है विकास। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है, गोरखपुर लिंक इसी दिशा से आगे बढ़ाए गोरखपुर तक जोड़ा जा रहा है। विकास आज की आवश्यकता है और विकास के साथ हर एक व्यक्ति जब जुड़ता हुआ दिखाई देगा, हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका पार्ट है, कोई प्रत्यक्ष होगा कोई अप्रत्यक्ष होगा, और जब सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने में सफलता प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा अधिवक्ता समुदाय सम विषम परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने जो अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1,474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से अब तक उसका भुगतान करने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक बात कही थी, और वह कही थी कि अगर अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की हेतु आयु की सीमा 70 वर्ष के जाने और उस सहायता के तहत जो राशि हम लोगों ने दी 471
ऐसे अधिवक्ता के परिवारजनों को 23 करोड़ 11 लाख रुपए का अब तक भुगतान हम लोग कर चुके हैं। जिन अधिवक्ताओं की इस दौरान मृत्यु हुई और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत मृत्यु दावे के रूप में 662 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को कल्याण निधि से भी 4,46,33,000 से अधिक धनराशि का भुगतान अब तक हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर युवा अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की थी कि युवा अधिवक्ताओं के लिए उनके जो लॉ से संबंधित पुस्तकें होंगी, पत्रिकाएं होंगी, इसके लिए 5,000 रुपए प्रति अधिवक्ता 3 वर्ष के लिए, चालू वित्तीय वर्ष के लिए हम लोगों ने जो धनराशि उपलब्ध कराई उसमें 1,87,90,000 रुपए इस जिससे हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 1,60,00,000 रुपए वितरित भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा चाहे वहां हाईकोर्ट प्रयागराज में हो या लखनऊ में हो, वहां पे अधिवक्ता चैंबर्स के लिए और पार्किंग के लिए भी बहुत समस्याएं हैं, तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में प्रयागराज में इसके लिए 573 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति वहां के लिए उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही लखनऊ में भी 184 करोड़ रुपए चैंबर के लिए और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हम लोग वहां पर उपलब्ध कराए हैं। आज जो कार्यक्रम हम लोग यहां पर कर रहे हैं, गोरखपुर में सदर है, कैंटियरगंज है, बांसगांव, सैजनवा, गोरखपुर में अधिवक्ता चैंबर और अधिवक्ता हॉल के निर्माण के लिए ये 15 करोड़ 21 लाख रुपए की ये वित्तीय सहायता यहां पर राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यानी गोरखपुर के साथ साथ जो हमारे तहसील के बार्ड हैं वहां पर भी ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता होगी कि हम लोग तकनीक के साथ जुड़ने और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकेंगे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि न्याय और भी सरल और सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। मैं गोरखपुर अधिवक्ता एसोसिएशन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो मांग पत्र उन्होंने हमारे सामने रखा है उसका पूरा अवलोकन करके सरकार उसमें पूरा सहयोग उन्हें उपलब्ध कराएगी और आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। 2021 का यह वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आप अपने वादकारी के हितों के लिए और एक सामान्य नागरिक को न्याय दिलाने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।